आज से जिला परिषद चुनाव नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हुई है, जो कि 23 तारीख तक अंतिम होगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी रखने की जानकारी जिलाधिकारी इन्होंने पत्र परिषद में दी। आज से जिला परिषद चुनाव नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि अंतिम 23 तारीख तक के होने वाली है। जिला परिषद चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 18 दिसंबर से आरंभ हुई, 23 दिसंबर अंतिम तारीख रहेगी। जिला परिषद चुनाव आरक्षण प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस बीच निर्वाचन आयोग के आदेश पर घोषित चुनाव कार्यक्रम के तहत नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी रखने की जानकारी जिलाधिकारी रविन्द्र ठाकरे इन्होंने पत्र परिषद में दी। जिले में जिला परिषद के 58 तथा 13 पंचायत समितियों के पास 116 सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। 23 दिसंबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 24 दिसंबर को पड़ताल होगी, उसी दिन सूची जारी होगी। आपत्ति 27 दिसंबर तक दर्ज की जा सकेंगी। 30 दिसंबर तक जिला न्यायाधीश के सामने सुनवाई में निर्णय होगा। नामांकन वापस लेने की मुदत 30 दिसंबर तक रहेगी। उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव निशान दिए जाएंगे। आपत्ति दर्ज किए नामांकन 1 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। उसी दिन चुनाव निशान आवंटित किए जाएंगे। 7 जनवरी को सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक मतदाता, 8 जनवरी को तहसील स्तर पर मतगणना की जाएगी। जिलाधिकारी ठाकरे ने पत्र परिषद में आगे ये भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया में 13 उपजिलाधिकारी की निर्वाचन निर्णय अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई है। 225 जोन अधिकारी चुनाव प्रक्रिया में कर्तव्य निभाएंगे। कुल 8044 अधिकारी कर्मचारियों की चुनाव प्रक्रिया में नियुक्ति की गई है। 1828 मतदान केंद्र पे होंगे 14,19,770 मतदाता। जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव के लिए 1828 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसमें से 182 मतदान केंद्र आदर्श केंद्र निश्चित किए गए हैं। मतदान केंद्र अनुसार मतदाता सूची 12 नवंबर को अंतिम की गई है। जिला परिषद चुनाव में 14,19,770 मतदाता मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 6,83,072 महिला और 7,36,637 पुरुष मतदाताओं का समावेश है। इस चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। इसमें मेमोरी चिप भी लगाई जाएगी। वीवीपैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। निर्वाचन विभाग से 2012 कंट्रोल यूनिट और 424 बैलेट यूनिट, 4,004 बाइट जिलाधिकारी। इस चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। इसमें मेमोरी चिप लगाई जाएगी। वीवीपैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। निर्वाचन विभाग से 2012 कंट्रोल यूनिट और 4,024 बैलेट यूनिट उपलब्ध कराए गए हैं। 2012 मेमोरी चिप की आवश्यकता है। फिलहाल 1,642 मेमोरी चिप उपलब्ध रहने की जिलाधिकारी ने जानकारी दी। कम पड़ रही मेमोरी चिप की पूर्तता के लिए निर्वाचन आयोग से 370 मेमोरी चिप की मांग की गई है। 2012 मेटल सील की आवश्यकता है, 780 उपलब्ध है। 1,232 मेटल सील की विभागीय आयुक्त से मांग की गई है। 4,022 मार्कर पेन और 2,150 पावर पैक की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। चुनाव प्रक्रिया में 312 जीप, 299 बस और 2 मिनी बस की आवश्यकता है। फिलहाल 60 जिल उपलब्ध है। बसों के लिए राज्य परिवहन निगम से मांग कराने की जानकारी दी गई है। अपन यहाँ पूर्वी डिक्लेअर केलेला आहे कार्यक्रम, घोषित केलेला आहे राज्य निवडणूक आयोगाने की 16 तारखेपासून नॉमिनेशनला सुरुवात होते, त्याच्यामुळे आता त्याच्यात तो जो कार्यक्रम आहे त्या अनुषंगाने आपण आज पत्रकार परिषद घेऊन की भाई उद्यापासून तो कार्यक्रम रिसर्च सुरू होतो आहे त्याची माहिती सगळ्यांना व्हावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही निर्णय येईल त्याप्रमाणे नंतर पुढची जी कारवाई आहे त्याबद्दल परत राज्य निवडणूक आयोग आपल्याला त्याबद्दल तर कळवेल की असं असं करायचं किंवा काय करायचं तर नेमकं निघाला ना सगळ्याच जिल्ह्यांचा जो आहे ना सगळ्याच जिल्ह्यांचा शासन निर्णय एकदमच काढलेला आहे त्यांनी। असं काहीच नाही आहे की आपल्यासाठीच त्यांनी काही रोखून धरलं किंवा असं काही नाही। जिल्हा परिषदची जी प्रक्रिया आहे निवडणुकीची ती उद्यापासून सुरू होते पूर्ण जिल्ह्यामध्ये आणि नगरपालिकांची जी प्रक्रिया आहे ती वेगवेगळ्या तारखांना सुरू झालेली आहे। म्हणजे उमरेड बिहोपूरची पहिल्या टप्प्यात सुरू झालेली आहे। त्यानंतर आता कालपासनं कळमेश्वर आणि कन्हान पिपरी इथली प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। तर ह्या प्रक्रिया वेगवेगळ्या वेळेला सुरू झालेल्या आहेत आणि ह्यांचं ह्याकरता जी काही व्यवस्था करावी लागते ती आमच्याकडनं आम्ही पूर्ण केलेली आहे। मतदारांना माझं एकच आव्हान राहील की मतदारांनी पुन्हा या निवडणुकीमध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा आणि मतदारांचा जो त्यांचा जो हक्क आहे तो त्यांनी बजवावा। त्या अनुषंगाने जी काही मदत जी लागते मतदार याद्या तयार झालेल्या आहेत नगरपालिकेच्या आणि जिल्हा परिषदच्या सुद्धा त्या प्रसिद्धसुद्धा केलेल्या आहेत आपण
आणि त्याचा आधार जो होता ते विधानसभेची जी यादी होती आपली मतदार यादी ते त्याचा आधार होता. ओळखपत्र म्हणून जे आपले नेहमीची जी पूर्ण जी प्रक्रिया जी आहे ज्याच्यामध्ये ओळखपत्राचा आधार असेल, इलेक्शन आय कार्ड असेल, ड्रायव्हिंग लायसन्स असेल, पासपोर्ट असेल, जी आपली विधानसभेच्या वेळेला जी प्रक्रिया होती तीच प्रक्रिया ह्यावेळेला सुद्धा आहे. ज्यांच्याकडे हे सर्व काही आपण मतदार यादीमध्ये त्यांचं नाव नाही आहे अशांना मतदान करता येईल का? नाही. त्याकरता काय करावं होते? नाही, नेहमी हा प्रश्न जो आहे तो नेमका ह्यावेळेला विचारला जातो ज्यावेळेला खरं त्याचं हे काही त्याला तार्किक उत्तर काही देणं शक्य नाही आहे. मतदानाची जी प्रक्रिया आहे तर आपण ऑलरेडी मतदानाच्या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने विधानसभेचीच यादी आपण इथले इथे वापरत असल्यामुळं ज्यांची नावं विधानसभेच्या मतदार यादीत होती तीच नावं आत्तासुद्धा येऊ शकतात असं ते आहे. त्याच्यामुळे नवीन नावं त्याच्यात आता समाविष्ट कुठली होत नाहीत, त्याच्यामुळे आता तो विषयच उपस्थित होत नाही खरं म्हणजे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कॅमेरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज, नागपूर.